सलाम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आज मैं आपके सामने जो प्रोडक्ट अनबॉक्स करने जा रहा हूँ वो है बोया का माइक, बोया BY-M1 माइक। तो चलें उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो जो माइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनिशियली वो है ये बोया का BY-M1 माइक। क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन है, इसकी वजह से ये नॉइस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है और जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी वीडियो की साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत सारी ओरिजिनल प्रोडक्ट की कॉपीज भी आ जाती हैं, तो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि अगर आपने बोया का ओरिजिनल माइक लेना है तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप बॉक्स को परचेज करें तो ये एक सील लगी होती है, इसके ऊपर QR कोड होता है और उसके अलावा सीरियल नंबर लिखा होता है। तो ये लाजमी चेक कर लें कि ये स्टिकर है जिसके ऊपर QR कोड और सीरियल नंबर लिखा है। अगर तो ये स्टिकर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बोया का ओरिजिनल माइक है। अच्छा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये माइक मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये अनबॉक्सिंग सिर्फ आपके लिए है। अदरवाइज मुझे पता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो लेकिन ये देख सकते हैं आप, अभी तक मैंने नया रखा हुआ है। बेसिकली मैंने कुछ 2-3 वीडियोस के लिए इस्तेमाल किया था, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो चलें आपको मैं बताता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर बोया के BY-M1 माइक के अंदर क्या क्या पड़ा होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पाउच है जिसके अंदर ये बोया का, जिसके ऊपर स्टैंप भी लगी हुई है, बोया का पाउच। तो उसके अलावा ये इसका फोम है, उसके अलावा क्लिप है, ये प्रोडक्ट मैनुअल है और इसके अलावा वारंटी कार्ड बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। ये अनसाइंड वारंटी कार्ड है। चलिए ओपन करते हैं इस पाउच को। ओके, अच्छा मैंने इसको प्रॉपरली न्यू प्रोडक्ट की तरह पैक किया है, वायर वगैरह इकट्ठी करके, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह ये आता है माइक, एक पाउच के अंदर पड़ा होता है। आप देख सकते हैं ये है माइक्रोफोन और इसके अलावा ये इसका कन्वर्टर है, साउंड कन्वर्टर कंट्रोल जिसको कह सकते हैं, साउंड कंट्रोल। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इस माइक्रोफोन की है वो इसकी लेंथ है, वायर लेंथ है। तो वायर लेंथ इसकी तकरीबन 6 मीटर होती है, तो आप काफ़ी दूर से, काफ़ी डिस्टेंस से भी अगर वीडियो बना रहे हो तो इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रोफोन कैमरा के साथ भी यूज़ हो जाता है, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के साथ भी यूज़ हो जाता है। यहाँ पे इसका बटन है, ये स्विच है जहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं कैमरा और स्मार्टफोन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी ये वायर है एक, और इसी तरह दूसरी साइड की वायर भी अगर हम ओपन करें तो ये बहुत लेंथ बन जाती है। Here you can see this, के कितनी लेंथ है इस वायर की। तो चलें दोस्तों, अब मैं इसके साथ फोम को कनेक्ट करता हूं, फोम और क्लिप देखते हैं कैसे कनेक्ट होता है। ओके, सबसे पहले क्लिप को कनेक्ट करने का तरीका ये, आप देख सकते हैं ये क्लिप है और ये माइक्रोफोन। तो ये माइक्रोफोन की इस जगह पे क्लिप को यूं आप प्रेस करेंगे तो ये माइक्रोफोन के साथ क्लिप कनेक्ट हो जाता है, इसे कॉलर क्लिप कहते हैं। और अब हम इस पे फोम को कनेक्ट करते हैं, ये फोम ऐसे इसके ऊपर चढ़ जाता है, ये देखें आप। तो ये इसकी फाइनल शेप है माइक्रोफोन की। चलें दोस्तों, अब मैं इस माइक्रोफोन को अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि क्या आवाज़ में कोई फ़र्क महसूस हुआ है, क्योंकि अभी जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्मार्टफोन का अपना बिल्ट इन माइक्रोफोन है, लेकिन अब हम इसको कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ता है। तो जी दोस्तों, मैंने अब अपने स्मार्टफोन को बोया BY-M1 माइक के साथ कनेक्ट कर लिया है और अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको आवाज़ में क्या फ़र्क महसूस हुआ है। दोस्तों, ये माइक मुझे आज से 2 साल पहले तकरीबन 2500 का मिला था, अभी मुझे एग्जैक्ट 2500 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ का। तो अभी मुझे, क्योंकि माइक की प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि करंट प्राइस क्या है माइक की, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है तो इनिशियली आप बड़ा बजट इन्वेस्टमेंट करने के बजाय ये बोया का BY-M1 माइक यूज़ करें, ये बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी है और आपकी वीडियो साउंड क्वालिटी को मज़ीद इन्हेंस करेगा। दोस्तों, एक और बात जो मैं बाइक के बारे में आपको बताना भूल गया वो ये है कि बहुत सारे स्मार्टफोन के ऊपर
ये माइक्रोफोन कैमरा के साथ डिटेक्ट नहीं होता, जो बिल्ट इन कैमरा होता है मोबाइल का उसके साथ ये डिटेक्ट नहीं होता। तो आपको मैं एक बेहतरीन ऐप सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है ओपन कैमरा। मैं जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए तो ओपन कैमरा ऐप को यूज़ करता हूँ। उस ऐप के और बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स हैं, और उसका एक और सबसे अच्छा फीचर यह है कि उसके साथ ये बोया का BY-M1 कोई भी बोया का माइक्रोफोन उसके साथ डिटेक्ट हो जाता है और आप बहुत अच्छी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए यही कुछ था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।